Now we'll study the second part of consolidation. In the last video, humne kiya tha ki linking all the same type of data in a using the consolidate function, hum kaise use karte hain and kaise hum different source data ko link karte hain, and even if the source data is changing, hamara output bhi kaise change hoga. So you can just copy this down, this particular slide. Now if we want to want the data to change as it is changed in the source sheet, main dikha deti hu, just a quick review. Humne 3D sum kiya tha, फिर हमने स्टैटिक ऑल सेम किया था जहाँ पे द पोजीशन ऑफ द डेटा वाज चेंजिंग, एंड डेटा पोजीशन चेंज होने से भी वी कुड इजीली कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द थ्री टेबल्स यूजिंग द कंसोलिडेट फंक्शन. अगेन हमारा स्टैटिक ऑल सेम में क्या डिफरेंस आ रहा था, इस केस में जो हमारा सोर्स डेटा था अगर वो चेंज हो रहा था तो हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा था. उसको ओवरकम करने के लिए हमने लिंकिंग ऑल सेम किया, जहाँ पे वी हैड टू टिक ऑन द ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट लिंक्स टू द सोर्स डेटा. इस वाले ऑप्शन को हमने टिक किया था ताकि जब हमारा सोर्स डेटा चेंज हो तो उसके साथ साथ हमारा आउटपुट डेटा भी चेंज हो जाए. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई हैव मेड थ्री सेम शीट्स आई हैव. अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ ए बी सी डी यहाँ पे मैंने बी के जगह पे एक नाम डाल दिया, डेमो. तो ये मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, मैंने एक दूसरा नेम डाल दिया इधर. सेम फॉर सेम टू मैंने इंस्टेड ऑफ डी यहाँ पे डाल दिया डेमो, यहाँ पे डी इज़ एब्सेंट, सेम वन में बी इज़ एब्सेंट एंड सेम थ्री में ई इज़ एब्सेंट एंड उसकी जगह मैंने डेमो डाल दिया. तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक और नया नाम इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड वो नया नाम मैंने तीनों शीट में तीनों डिफरेंट प्लेसेस पे इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज तीनों शीट में थ्री डिफरेंट पीपल वर एब्सेंट. इस पर्टिकुलर शीट में बी वॉज एब्सेंट, सेम टू में डी वॉज एब्सेंट एंड सेम थ्री में ई वॉज एब्सेंट एंड उनकी जगह मैंने डेमो इंट्रोड्यूस कर दिया. अब इसको हम लोग देखेंगे कि एक्सेल इस चीज़ को कंसॉलिडेट करता है या नहीं. उसके लिए बेसिकली दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. हमारा डेटा का प्रोसीजर लिखने का सेम है, बट आई हैव मेड द रोज इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. पहले पूरे एक सेम फॉर्मेट में था, ए बी सी डी ई था, अभी मैंने नया नाम इंट्रोड्यूस कर दिया है इंस्टेड ऑफ द अर्लियर नेम्स. यू कैन डू द सेम फॉर द कॉलम्स ऑल्सो. कॉलम्स को भी चेंज करके देख सकते हैं कि क्या इसमें आउटपुट सेम, मतलब हमारा आउटपुट मैच हो रहा है या नहीं हमारे सोर्स डेटा से. तो हम लोग अब करेंगे स्टैटिक ऑल डिफरेंट. स्टैटिक ऑल डिफरेंट यानी कि वी विल ट्राई टू कंसोलिडेट द डेटा, द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम द थ्री डिफरेंट शीट्स. अगेन आई विल गो टू द सेल A1, जहाँ पे भी आपको आउटपुट चाहिए. अगर आपको आउटपुट F4 में चाहिए तो आप F4 पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल गो टू द सेल A1, डेटा टैब में जाएंगे, कंसोलिडेट फंक्शन, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे सम चाहिए. वापस मैं तीनों का रेफरेंस लूँगी, तीनों टेबल्स का रेफरेंस लेंगे हम. ऐड किया, नेक्स्ट इज सेम टू, ऐड किया एंड नेक्स्ट इज सेम थ्री, नेक्स्ट इज सेम थ्री, इसको भी ऐड किया. तो तीनों शीट्स से तीनों टेबल्स को मैंने ऐड कर दिया है, सेम वन सेम टू सेम थ्री से. अब मुझे टॉप रो या लेफ्ट कॉलम को ऐड करना है या नहीं, ऑब्वियसली नॉट. एंड मुझे एज अ लेबल वो चाहिए या नहीं, हाँ चाहिए, तो टिक कर देंगे इसको एंड हम लोग क्लिक करेंगे ओके. ओके क्लिक करते यू विल गेट द आंसर एज सी ए डेमो बी सी डी ई. सारे नेम्स आ गए. सारे नेम्स क्यों आए, बिकॉज कोई ना कोई शीट में सारे नेम्स प्रेजेंट थे. इफ़ यू गो टू सेम वन, यहाँ पे बी वॉज एब्सेंट, बट वेन यू गो टू सेम टू, यहाँ पे बी वॉज प्रेजेंट. तो तीनों शीट में कोई ना कोई नेम वॉज प्रेजेंट, तो उन तीनों को यहाँ पे कंसिडर किया गया है. एंड यहाँ पे वेन यू सी दैट सेम वन में डेमो विच इज़ ऑन द सेकेंड पोजिशन, वो हमारे डेटा के सेकेंड पोजिशन पे ही आया है. सो इट विल बेसिकली टेक डाउन द पोजिशन फ्रॉम द फर्स्ट शीट, देन फ्रॉम द सेकेंड शीट एंड देन फ्रॉम द थर्ड शीट. तो फर्स्ट शीट के अकॉर्डिंग डेमो इज कमिंग एट द सेकेंड प्लेस, तो इसको सेकेंड प्लेस में ले लिया है. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एंड द थर्ड शीट, बी इज कमिंग इन द सेकेंड प्लेस, तो उसको हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया है, वो अपने आप थर्ड पोजिशन पे आ गए. बट ये दिस इज नॉट एन इशू. द इशू इज कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं. सो वील चेक इट फॉर द डेमो. डेमो का हमने देखा
यहाँ पे सेम वन में मार्क्स वॉज 50, सेम टू में मार्क्स वॉज 50, 100 हो गया, एंड सेम थ्री में मार्क्स वॉज 46. आई एम सो सॉरी, सेम वन में मार्क्स वॉज 50, 50 प्लस 39, 89 प्लस 46, एंड वी आर गेटिंग एज इट एज 135. वी आर गेटिंग इट एज 135. अगेन यू कैन चेक फॉर बी, बी का भी चेक कर सकते हैं. बी का यहाँ पे देखो, बी का कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं है, सो बी का फर्स्ट सेम के अकॉर्डिंग मार्क्स इज 0, सेकेंड सेम के अकॉर्डिंग बी का मार्क्स इज 50, सो 50 प्लस सेम थ्री का मार्क्स इज 50, सो इट शुड एड ऑन टू 50 प्लस 50 विच इज 100, एंड हमारा आंसर है 100. यानी कि माई आंसर इज परफेक्टली करेक्ट, आंसर में कोई चेंजेस नहीं हुआ. इवन इफ यू एड मोर कॉलम्स और मोर रोज into your data, your answer will not change. यानी कि जो हमारा कॉलम हेडिंग्स, रो हेडिंग्स और कॉलम हेडिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सेल का जो आउटपुट है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा. सो दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग इन एक्सेल. वेन यू हैव न्यू आइटम्स, मे बी ये कब आप यूज़ कर सकते हो, वेन लेट्स सपोज आपके पास क्वार्टरली डेटा है, फोर क्वार्टर का डेटा है, यू वॉन्ट टू कंसॉलिडेट द फोर क्वार्टर का डेटा एट द एंड ऑफ द ईयर. कोई क्वार्टर में कोई डेटा प्रेजेंट था, मे बी एक पर्टिकुलर कॉस्ट एक पर्टिकुलर क्वार्टर में जो प्रेजेंट था वो दूसरे क्वार्टर्स में प्रेजेंट नहीं था. लेट्स सपोज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, वो आपके फर्स्ट क्वार्टर में प्रेजेंट था, बाकी तीनों क्वार्टर में प्रेजेंट नहीं था, तो फाइनल आंसर में वो एडवर्टाइजिंग का जो कॉस्ट है वो सेपरेटली दिखाया जाएगा, इवन इफ इट वॉजंट प्रेजेंट इन द अदर थ्री शीट्स. एंड जो हमारा डेटा फाइनल आएगा वो एकदम परफेक्टली सही होगा. यू कैन चेक इट फॉर ऑल द थ्री. लेट्स चेक इट फॉर ई ऑल्सो वंस. यहाँ पे ई का मैथ का मार्क्स इज 46 प्लस 46, सो इट शुड बी, एंड सेम थ्री में 0 है, सो इट शुड एड अप टू 92, विच इज़ 46 प्लस 46, 92. सो आर डेटा इज परफेक्टली करेक्ट. नाउ वन थिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टैटिक ऑल डिफरेंट, एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज है दैट इफ आई चेंज माई डेटा, लेट्स मेक इट 45. सेम वन में मैंने ए का मार्क्स को चेंज करके 45 कर दिया है. जब हम स्टैटिक और डिफ में जाएंगे सो इट इज़ स्टिल 140. पहले भी इट वॉज 140, अभी भी इट इज़ 140, यानी कि 5 से कम हुआ नहीं. यहाँ पे पहले था 50, 45 विच इज़ 95 प्लस 45, सो इट इज़ कमिंग टू 140. पहले अभी भी इट इज़ कमिंग टू 140, यानी कि ये चेंज नहीं हुआ. इट शुड हैव रिड्यूस्ड बाई 5, इट शुड हैव रिड्यूस्ड बाई 5, बट ये 5 से रिड्यूस नहीं हुआ. अगेन आई चेक इट फॉर, लेट्स चेक इट फॉर डेमो. डेमो का टोटल आ रहा है 135. यहाँ पे डेमो को मैं 45 कर देती हूँ. नाउ इट शुड कम टू 130. 5 से कम कर दिया मैंने, तो 5 से कम हो जाना चाहिए. 5 से कम नहीं हुआ, इट इज़ स्टिल 135. सो इसको ओवरकम करने के लिए वी यूज़ लिंक्ड ऑल डिफरेंट कंसॉलिडेशन यूज़ करेंगे. वापस से सेम प्रोसीजर है फॉलो करना है. डेटा टैब कंसॉलिडेट, यहाँ पे हमने सम फंक्शन सिलेक्ट किया है, रेफरेंसेस सिलेक्ट करेंगे. ब्राउज में जब क्लिक करोगे आप, सो यू कैन ब्राउज इट टू द डिफरेंट वर्कबुक्स. वो हमें नहीं करना अभी, हमें अपने सेम वर्कबुक से डेटा चाहिए. व्हेन यू वांट द डेटा फ्रॉम, यू कैन ट्राई इट एट होम, एंड अगर कुछ भी इशू हो सो यू कैन गेट बैक टू मी ऑन दैट कि कैसे हम दूसरे वर्कबुक से ऐड करते हैं. तो तीनों मैंने शीट्स में से तीनों डेटा ऐड कर दिया है, सेम वन सेम टू सेम थ्री का टेबल से ऐड कर दिया है. अगेन आई क्लिक ऑन टॉप रो लेफ्ट कॉलम एंड क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा पे हम टिक करेंगे. इसका क्या मतलब है कि नाउ आई एम लिंकिंग माई आउटपुट डेटा टू द सोर्स डेटा दैट आई वॉन्ट, यानी कि मुझे डायनेमिक डेटा चाहिए. आई वॉन्ट माई आउटपुट टू चेंज एज द सोर्स डेटा इज चेंजिंग. एज द सोर्स डेटा इज चेंजिंग आई वॉन्ट माई आउटपुट ऑल्सो टू चेंज द. अब हम लोग देख सकते हैं डेमो का आंसर आ रहा है 130. आई कैन जस्ट क्रॉस चेक 45 प्लस 39 प्लस 46 विच आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 130. सिमिलरली यू कैन चेक फॉर अदर डेटाज एज वेल. एक बार हम लोग ए का चेक करते हैं. ए का 130 आ रहा है, आई जस्ट चेंज इट टू 40
एंड हम लोग देखेंगे वो 130 में चेंज हुआ या नहीं. येस 130 में चेंज हो गया. अगेन यू गेट थ्री टू डिफरेंट बटन्स ऑफ वन एंड टू. जब आप टू पे क्लिक करोगे तो आपका सारा फिगर्स आ जाएगा वापस. आप देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द शीट नेम आपका वर्कबुक का नेम आ रहा है विच इज़ न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट. आई जस्ट शो यू ए का दिखाते हैं प्लस साइन पे क्लिक करके. पहले शीट में था 40 सेम वन का मार्क्स, सेम टू का मार्क्स 45 एंड सेम थ्री का मार्क्स 45 एंड उसका एडिशन आ रहा है 130. सो इन दिस पर्टिकुलर शीट यू विल गेट बोथ द कंसोलिडेटेड फिगर्स प्लस आपका कहाँ से वो सोर्स आ रहा है. ये जो तीनों सोर्स शीट्स हैं, जो तीनों हमारा सोर्स डेटा है वो क्या था एंड उसका कंसोलिडेटेड फिगर क्या है, वो तीनों चीज़ वो हमारे पास दोनों चीज़ यहाँ पे आ जाएगा फॉर ईच एंड एवरी डिफरेंट. अगर आप डेमो में देखो, डेमो में तीन शीट्स का आ रहे हैं. नाउ इफ़ यू लुक फॉर बी, अगर आपको याद है सेम वन में बी वॉज एब्सेंट, सेम टू में बी वॉज प्रेजेंट एंड सेम थ्री में भी बी वॉज प्रेजेंट. तो बी का हमारे पास खाली दो डेटा है. बी का देखो हमारे पास खाली दो डेटा है, सेम टू और सेम थ्री का. सेम वन का डेटा नहीं है बिकॉज सेम वन में बी को हमने हटा दिया था, इट वॉज एब्सेंट. तो ये हमारा पूरा कंसोलिडेशन है विच वी यूज़, विच इज़ अ वेरी पावरफुल टूल व्हेन यू कैरी आउट योर फाइनेंशियल मॉडलिंग.